पत्नी के दोस्त अक्सर पति की आंखों में खटकते ही हैं। पर यूं ही नहीं, जब रूपल शनाया और आहान को इतने करीब देखेगी तो क्या करेगी? क्या फिर से रहना पड़ेगा आहान और शनाया को एक दूसरे से दूर? और क्या जवाब देगी शनाया आहान के सवालों का? आज सुबह आप कार में मुझे बेबी गर्ल या बेबी बॉय के बारे में क्या पूछ रही थी? आहान, वो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम दोनों। अचानक से रूपल के घर का दरवाजा खुला और उसने बाहर से आकर चिल्लाते हुए कहा, अपना ये शो बंद करो, ये क्या चल रहा है शनाया? आहान, क्या तुम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकते? आहान को कोसते हुए रूपल उन दोनों के पास गई और शनाया का हाथ पकड़कर उसे खड़े होने में मदद करने लगी। शनाया आहान और रूपल से अपनी नजरें चुराने लगी। रूपल ने अजीब सी नजरों से आहान को देखा और फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड से सवाल करते हुए बोली, शनाया, ये सब क्या हो रहा था? रूपल, वो मैं इस प्लांट के नीचे रखी हुई स्पेयर चाबी ढूंढ रही थी। वो प्लांट थोड़ा भारी था तो इसलिए मैंने आहान से हेल्प मांग ली। हम तो बस चाबी ही निकाल रहे थे कि मेरा बैलेंस चला गया और फिर जो तुमने देखा वो। जब रूपल ने शनाया की ये बात सुनी, उसने शक भरी निगाहों से आहान की तरफ देखा और बोली, क्या ऐसा ही है? जी, ऐसा ही है। ये सब एक एक्सीडेंट था, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। अगले कुछ दिन तुम्हारी वाइफ मेरे साथ ही रहेगी, तो फिर तुम पहले फ्लोर पर ही रहना, समझ गए? ये सुनकर आहान की बोलती ही बंद हो गई, लेकिन शनाया की तरफ देखकर आहान ने बेमन से अपना सर हिला दिया। रूपल के इंस्ट्रक्शंस तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और हाँ, एक बात अच्छे से याद रखो, मेरे परमिशन के बिना तुम सेकंड फ्लोर पर कदम नहीं रख सकते। ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऊपर नहीं आऊंगा। रूपल ने सोचा नहीं था कि आहान इतनी आसानी से मान जाएगा। उसने अपने कंधे को उचकाते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? चलो शनाया। आहान को अभी से यहां आने के अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था, लेकिन कहते हैं ना, जो बीवी से करे प्यार वो कैसे करे इनकार। आहान भी घर के अंदर चला गया। आहान ने सोचा कि शॉवर लेकर थोड़ा आराम करना चाहिए। आहान लिविंग रूम से अपने रूम की तरफ जा रहा था कि उसने कोई आवाज सुनी। क्या कोई दरवाजा खटखटा रहा है? लेकिन अरे हाँ, इस चुड़ैल के घर में डोरबेल ही नहीं है। लेकिन शनाया तो कह रही थी कि रूपल को मेहमान पसंद नहीं है, तो कौन होगा? आहान ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। दरवाजे के बाहर एक यंग लड़का खड़ा था। वो दिखने में बहुत ही एक्साइटेड और हैंडसम लग रहा था, और वही एक्साइटमेंट उस लड़के की आवाज में भी झलक रही थी। अपने हाथों में लाल गुलाब का एक गुलदस्ता पकड़े वो लड़का अपने घुटने के बल बैठ गया था और उसने कहा, रूपल, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें इस दुनिया का सारा प्यार और खुशी देना चाहता हूँ। आहान इस लड़के की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहने लगा, क्या इस बेचारे को कोई दूसरी लड़की नहीं मिली? मुझे तो अब इस लड़के पर तरस आ रहा है। आहान ने थोड़ी हिम्मत करके उस लड़के को बीच में रोकते हुए कहा, भाई, मैं रूपल नहीं हूँ, तुम गलत इंसान को प्रपोज कर रहे हो। फाइनली उस बात का एहसास उसे हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। वो जल्दी से अपने पैरों पर सही से खड़ा हो गया और आहान की तरफ देखकर अजीब से एक्सप्रेशंस के साथ बोला, अब तुम कौन हो और यहाँ मेरी रूपल के घर पे क्या कर रहे हो? मैं रूपल का दोस्त हूँ। जवाब सुनकर वो लड़का गुस्से से आहान के पास आया और बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, पूरे इंडिया में रूपल का ऐसा कोई दोस्त नहीं है। जो लड़का हो, मैं सब जानता हूँ, सच सच बताओ, कौन हो तुम? ये सवाल कहते हुए उस लड़के ने अपने गुस्से से हाथ में पकड़ा हुआ गुलाबों का गुलदस्ता जमीन पर पटक दिया। आहान ने हेल्पलेस फील करते हुए एक बार फिर अपनी बात को दोहरा दिया, अरे मैंने कहा ना कि मैं रूपल का दोस्त हूँ। मुझे इस बात पर यकीन नहीं है, झूठे हो तुम, मैं जाकर रूपल से ही पूछ लेता हूँ। अपनी बात कहते हुए वो लड़का अब आहान को हटाकर अंदर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन आहान अपनी जगह से तस से मस नहीं हुआ और आहान ने उस लड़के को मना करते हुए कहा, नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते। भले ही ये रूपल का घर था, लेकिन अंदर शनाया नहा रही थी। आहान ऐसे ही किसी को घर के अंदर नहीं घुसने दे सकता था, लेकिन वो हैंडसम लड़का आहान की एक नहीं सुन रहा था। उसने आहान से कहा, तुम हो कौन यार और अपने आप को क्या समझ रहे हो? मैं जब चाहूं यहां आ सकता हूं, आफ्टर ऑल मैं रूपल का फियांसे हूं।
क्या ये हैंडसम लड़का सच में रूपल का फियांसे था? क्या आहान उसे अंदर जाने देने वाला था? और क्या होगा जब रूपल को पता चलेगा कि आहान ने उसके फियांसी को रोक रखा है? क्या रूपल जगाएगी आहान और शनाय के बीच बढ़ रही नजदीकियों पर रोक? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।